की इजाजत दी गई थी। 5 बजे के बाद किसी भी शख्स को दुकान खोलने की इजाजत ना होगी। 5 बजे के बाद किसी भी शख्स को दुकान खोलने की इजाजत ना होगी और ना ही किसी भी शख्स को विदाउट परमिशन जिला हैदरा में किसी भी गाड़ी को चलाने की इजाजत होगी। 7 बजे के बाद जिला हैदरा में महकमे जिला मजिस्ट्रेट पहुंच कर्फ्यू जैसे हालात काफज किए गए हैं। किसी भी शख्स को जिला हैदरा में दुकान खोलने की या किसी भी शख्स को किसी गाड़ी को चलाने की इजाजत ना होगी। लिहाजा तमाम शहरों से अपील की जाती है कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं। अगर कोई भी वजह से लेकर 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, 5 बजे के बाद किसी भी शख्स को दुकान खोलने की इजाजत ना होगी। 5 बजे के बाद किसी भी शख्स को हर वो कोशिश कर रहा है कि जिससे ये जो कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और जैसे जैसे हमारे जिले में भी कोई केसेस बढ़ रहे हैं तो प्रशासन की पूरी कोशिश है कि इसके स्प्रेड को रोका जाए। जो भी कोशिश होती है खसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है वो लोगों को हित को मद्देनजर रखते हुए वो नोटिफिकेशन निकालते हैं। यहां पर प्रशासन ने जैसे 9 से 5 तक हमारी जो दुकानें जो भी लोग कोई काम काज करते हैं उसके लिए खुला छूट दी है, लेकिन उसका ये भी अर्थ नहीं है कि हम यहां पर जमावड़े में यहां पर आए, घर के सभी लोग आए और यहां पर एक जमावड़ा बना लें और COVID-19 को फैलाने में जो है हम जो है उस पर क्या एजेंट बन जाए। तो प्रशासन की तरफ से यही कोशिश है कि लोगों की कीमती जान को बचाया जाए और इसके स्प्रेड को, इस महामारी के फैलने को रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क पहना जाए, हाथ धोए जाएं और कम से कम लोग जो हैं वो मार्केट में आएं या शहर में आएं, जहां भी जाएं वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर कोई गांव से कोई आदमी यहां सब्जी खरीदने आता है या कोई सामान लेने आता है, मेहरबानी करके एक व्यक्ति आए यहां पर, ज्यादा लोग मत आएं, क्योंकि अगर हम जमावड़े में चलेंगे, इकट्ठे होके चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो हर कीमत पर कोरोना जो है हमें अटैक करेगा और जिसका अभी तक पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के सिवाय जो प्रिकॉशंस सरकार बता रही है उसके सिवाय कोई भी इसका जो है रोकथाम का कोई कारण नहीं है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमें प्रशासन जो भी निर्देश देता है उसका पालन करना चाहिए। एक भी काम किया हम उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, आवाम का पूरा तावन उनके साथ है और जो भी मुस्बत कदम लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए वो करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं और लोगों को भी निर्देशों का पालन करना चाहिए। शुक्रिया जय।